भैया रो जयराम जी की। हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनों के बीच में बुंदेलखंड चुपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। हिरन की नीलामी शुरू। मुंबई सूरत से आए व्यापारी पहले दिना 38,89,000 रुपया मूल्य के डायमंड बिके। पन्ना में चल रही उथली खदानन की हिरन की नीलामी को कलेक्टर संजय मिश्रा जी ने अवलोकन करो है और नीलामी में मुंबई सूरत से आए हैं व्यापारी। पन्ना जिला में स्थित हीरा खदान क्षेत्र की उथली हीरा खदानन में तुआदारों को मिली हीरा की नीलामी की कार्यवाही गुरुवार से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित हीरा नीलामी कक्ष में शुरू हुई। खरीज एवं हीरा कार्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों की व्यवस्थान में शुरू भई इन नीलामी में सवेरे 11 बजे से सबसे पहले नीलामी में रखे जाने वाले हिरन खां व्यापारियों का प्रदर्शन हेतु रखो गए। 26 ट्री में प्रदर्शन के लाने कुल 57.40 कैरेट के 73 नग हीरा रखे गए जिनको बोली में भाग लेवी के लाने जिला के व्यापारियों के संग मुंबई सूरत और अन्य स्थान से आए व्यापारी द्वारा अवलोकन करो गए और पार्किंग निगाहन के संगे हीरा की गुणवत्ता के पैमाने के आधार पर बोली के लाने अनुमानित आंकलन करोगे। आरोप 8 इंच मोटर डलने तो सीसी रोड पर 4 इंच मटेरियल डाल के करी जा रही है धांधली। छतरपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सौरा के मवासी गांव में सीसी रोड को निर्माण ठेका पे कराओ जा रहा है। ठेकेदार द्वारा गुणवत्ताहीन घटिया सामग्री और घटिया रेशियो से निर्माण करो जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा 4.5 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण कराओ जा रहा है। इस काम को ठेका पे दे के कराओ जा रहा है। ठेकेदार द्वारा मनमानी करत भाई 4 इंच मोटो सीसी रोड बनाओ जा रहा है जबकि रोड की मोटाई 8 इंच भाव चाहिए। ठेकेदार द्वारा दोनों किनारों का खोद के मोटो मसालों बिछा के इका 8 इंच मोटो दिखावे को प्रयास करो जा रहा है। इस कार्य में रेत को उपयोग ना करके क्रेशर की डस्ट उपयोग करी जा रही है और सीमेंट भी कम मात्रा में डालो जा रहा है। टीकमगढ़ से बड़ी खबर। दुकानदार ने करी मांग लोगन खां मेला में प्रवेश दो जाए। कोरोना काल के चलते पिछले 9 महीना से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और मेला दुकानदार ने गुरुवार का कलेक्टरेट पहुंच के कलेक्टर के नाम एसडीएम का ज्ञापन सौंपा। दुकानदार मुंह पे मास्क लगा के चक्रा से कलेक्टरेट तक पैदल पहुंचे। दुकानदार ने मांग करत भय कही है कि पिछले 9 महीना से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, ऐसे में परिवार को लालन पालन करवो मुश्किल हो रहा है। दुकानदार राजेश सक्सेना जी को कहवो है कि बंजारन की तरह जीवन यापन करके हम अपनो गुजार बसर कर रहे हैं। जय हमारी आजीविका को साधन है, ऐसे में सरकार एक तरफ सभी बेरोजगारन का कोरोना काल में रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ प्रशासन हमारी दुकानन का बंद करने की बात करके हमारा रोजगार छीन रही है। कार्यवाही स्कूलन के निरीक्षण में अनुपस्थित शिक्षकन को वेतन काटबे के आदेश। शिक्षा विभाग के समस्त प्राथमिक माध्यमिक एवं हाई स्कूल उमा विद्यालय के शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ का कार्यालय समय में पदांकित स्तर पर उपस्थित रहने के निर्देश जारी करे गए। ई के तहत जिला शिक्षा अधिकारी जे एस बरकड़े ने संस्थान को आकस्मिक निरीक्षण करो। निरीक्षण के दौरान उन्हें प्राथमिक शाला शिवनगर, प्राथमिक शाला पच्ची रामपाल सिंह, प्राथमिक शाला हरजन बस्ती धनेरा, प्राथमिक शाला झिमरौला धनेरा, प्राथमिक शाला दांतगोरा बंद मिली। हाई स्कूल रामपुरा कुड़ीला दो भानपुरा उत्कृष्ट उमा विद्यालय पलेरा में शिक्षक उपस्थित मिले। सागर से बड़ी खबर। चीता दिवस पर विशेष पहले चरण में नोरा देही आए 20 अफ्रीकन चीता। एक से ज्यादा सेंचुरी में रखबे की है तैयारी। अफ्रीकन चीतन का भारत लाबे की तैयारी चल रही है। 400 एकड़ घास को मैदान तैयार। जे एस चौहान जी ने बताया है कि चीता प्रोजेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद भारत में अफ्रीकन चीतन की शिफ्टिंग पे तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। हाल में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट की एक टीम प्रदेश के 4 अभयारण्य को दौरा कर चुकी है। इनमें क्षेत्रफल के लिहाज से प्रदेश को सबसे बड़ा नोरा देही सेंचुरी भी शामिल है। छापामार कार्यवाही मकरोनिया के ऑनडोर मॉल में छापामार कार्यवाही। एक्सपायरी डेट को आटा मिलो और बिस्कुटें मिली। मकरोनिया स्थित मॉल में कार्यवाही करत खाद्य विभाग की टीम। पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करत भय मॉल पे छापामार कार्यवाही करी। मकरोनिया स्थित ऑनडोर मॉल में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बेचवे को मामला सामने आओ है। इमें जिला प्रशासन खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्यवाही करत भय मॉल पे छापामार कार्यवाही करी है और मॉल से एक्सपायरी डेट के आटा बिस्कुट और जूस के पैकेट जब्त करे।
उतई खाद्य विभाग ने सभी खाद सामग्री के सैंपल जांच के लिए भोपाल स्थित लैब में भेजो जाए। नायब तहसीलदार सोनम पांडे ने बताओ है जानकारी दी है कि मलेशिया निवासी अंकित परमार जी ने मॉल में एक्सपायरी डेट को सामान मिलने की शिकायत गुरुवार शाम मकरोनिया थाने में करी थी। जी मैं बताओ है कि गुरुवार को उन्हें 25,000 रुपया को सामान ऑन डोर मॉल से लो तो जी मैं अधिकांश सामान एक्सपायरी डेट को मिलो। ऐसे कछु खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार जुड़े रहें। जय राम जी की।